हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रियंका एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग बैक। सो मैं देख रहे हैं रेडी हो चुकी हूँ, थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा मैं टैटू बनवाने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट टैटू है एंड लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। नीचे भाई मेरा वेट कर रहा है तो चलिए वहाँ पे। सो गाइस, आज है 2 फेब, मेरे हस्बैंड का 4 फेब को बर्थडे है, तो उनके लिए ये सरप्राइज टैटू है, उन्हें नहीं पता है। मैं जा रही हूँ टैटू बनवाने एंड लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन रहता है। सो एंड मेरा एक्सपीरियंस क्या रहेगा टैटू का फर्स्ट लेके, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए अभी चलते हैं, लिफ्ट भी आएंगे। ठंडा मौसम है, फैन ऑन ऑन करके छोड़ देता है। सो अभी मैं लिफ्ट में हूँ, चलिए। सो गाइस, हम लोग चल दिए, देखो मेरा कल्लू आ गया है। ड्राइवर ये मेरा ड्राइवर है, लाइसेंस ही ड्राइवर है, ऑल टाइम फ्री हो गई। सो हम लोग चल दिए, चलिए हम लोग को मिलते हैं मेन रोड पे। तो आजा पहले, यहाँ पे कितना दिख रहा है। समझे ना, ये चाकी निकाल दी हमें। हल्का सा जैसे पेंसिल चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं, वैसे ही चलाएंगे हाथ से एक एक बार, दस ना नहीं दो तीन बार, जब तक इंगल तो नहीं बढ़ता, तब तक एक बार में चाहे दो बार। हाँ, ज़्यादा दर्द नहीं होगा? नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। लाइफ टाइम चीज स्किन के अंदर बैठा, थोड़ा तो दर्द से ना बढ़ता। बहुत जल्दी समझ गई थी, जल्दी ना। हाँ, चालू हो गया भाई, बस 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 हो गया। अच्छा लग रहा है ना। हेलो, हाँ घर पे टैटू कर रहा था। नहीं होगा, नहीं होगा, देख। हे भगवान, मेरे को उसको देख के डर लग रहा है। नहीं, आप हाथ लूज रखो, हाथ हिला मत, बस नॉर्मल रख, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा होएगा बस। नहीं कुछ हो रहा ना, हो रहा है। करंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई। थोड़ा अर्थिंग भी आता है क्या उसमें? नहीं ना, बहुत ज्यादा नहीं डर रहा है। दर्द हो रहा है क्या आज भी? वाइब्रेशन से ना दर्द कम पता चल रहा है, पता है वाइब्रेशन के साथ में दर्द भूल जा रहा है। नीडल चेंज किया है ना? हाँ, नीडल हर बार चेंज।
ऊपर मिलते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो परेशान नहीं। मेंशन करने से सामने वाले को मालूम पड़ता है ना यार। इस चीज में इसका भी खाते है ऐसा मालूम पड़ता है। हां हां वो है टाइम लग रहा है मेंशन का, बट स्टोरी में नहीं मालूम मेंशन कैसे करते हैं। मेंशन का नीचे इसको बाद में बनेगा तो चलेगा ऐसा। ऊपर और ऐसे बना हुआ है क्या? हाँ ये कोर्ट माल है। अच्छा हाँ, इधर आए थे 2007 में, तब से हाइटेड रूम हमारा ही था। अभी नीचे सब अभी सब बन गया है तो छोटा हो गया। हाँ तो भी है काफी हाइट है, सही एकदम छोटा भी नहीं। कांदी रूम के सुनील का साइड से सब एडजस्ट करके रहते। हाँ तो पहले का बना हुआ है ना, 19 का बना हुआ तो बताओ फिर तुमको कैसा दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं ज्यादा मतलब दर्द तो हो रहा है थोड़ा, बट अच्छा बन रहा है तो फिर वो दर्द भूल गई। ये भाई धीरज भाई है, ये भाई ने टैटू बना रहे अभी। मैं उनका मेंशन आईडी कर दूंगी ना डिस्क्रिप्शन में जरूर, इंस्टा आईडी। भाई ने यूट्यूब चैनल भी बनाया है। हाँ यूट्यूब चैनल है लेकिन वीडियो नहीं डालते हैं, वो बात अलग है। टाइम नहीं मिलता है। स्केचिंग का डाले एक दो के लिए ना, अभी कोई दूसरा रहना चाहिए, इनको इतना काम रहता है। हाँ वीडियो बनाने के लिए भी कोई चाहिए, एडिट करना, थंबनेल, टाइटल सब कितना डालना रहता है, उतना टाइम रहना चाहिए ना। वो दोनों काम नहीं कर सकते ना इसके लिए। बहुत खराब दिख रही है तू सच में। हाँ बाल खोलने से अच्छी दिखते है क्या? ये आवाज ज्यादा डरावना लग रहा है ना। ज्यादा डरावना, उतना पेन नहीं हो रहा है। ये तो मैं अपने हाथ से भी बनाती हूँ, ये तो मैं अपने हाथ से एडिट करके ऐसे सब बनाने लग जाएंगे तो भाई लोग क्या करेंगे इधर बैठ के फिर? है उसमें क्या भरने का ही है ना, वो बस भरने का तुझे लग रहा है। बनाने नहीं आएगा तो फिर बात अलग है। देखा भी बोला भी पुष्पा नाम सुन के फायर अभी दुख रहा है ना। ओ भाई लाइट गिरा के फोड़ेगा तू, 2-4 सौ भी गया। नहीं 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 वो उधर टूटेगा नहीं। ये कितने का लिया तेरी लाइट? तो गाइस मेरा टैटू बन गया मस्त, हाथ में ऐसी सीधा तो दिखा। अरे टेढ़ा हो जा रहे हैं हाथ। अच्छा ऐसे दिखाने का? ऐसा कहा, ऐसा सीधा कर ऐसे डायरेक्ट वीडियोस में दिख जाएगा बनेंगे। ये क्या दिख रहा है भाई? इसमें तो उर्दू लगा लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें तो उल्टा दिख रहा है ना। ये रैपिंग किस लिए रहता भाई बता दो? स्वेलिंग के लिए, हल्का फुल्का ब्लड निकलता है उसके लिए। बस और डस्ट प्रोटेक्टर निकले, अभी आप दूर जाओगे ना बस 2 घंटे लगाना के रखना है ना। हो गया मेरा टैटू कंप्लीट, तुझे भी बनाना है टैटू? गाइस अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, टैटू मेरा बन चुका है, उसको रैप करके रखा है, इसे 2 घंटे के बाद इसे ओपन करना है। सो
आपको कल दिखाती हूँ इसका रिजल्ट, अभी तो रात हो गई, रात के 10 बज रहे हैं, अभी बनवा के आ रही हूँ। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ हल्का हल्का इसमें पेन हो रहा है नेक्स्ट डे, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी जहाँ फ्लावर बनाए हुए ना उसमें बहुत स्क्रैचिंग किया हुआ है, तो वो सब जो रेड रेड येलो एंड वाइट कलर दिख रहा है तो सब वो उसने हाथ से फील किया हुआ है, तो फिर उसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी हाथों में हल्की सी सूजन लग रही है, हल्की हल्की सी, और पेन मतलब हल्का हल्का हो रहा है, जैसे लग रहा है कुछ कटा है भगा रहा है मतलब लाइक ऐसा, एंड दिखने में कैसा है आप लोग बताना, मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, आज हो रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरे टैटू की हालत देखिए, मतलब अभी इसमें हल्का हल्का पेन है और मैंने वो रैप करके रखा था जो प्लास्टिक उसको निकाल दिया है, एंड ये इसमें हल्का हल्का पेन है, ऐसा पेन नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हो, बट इसको पानी में पानी से अवॉइड करना है एटलीस्ट 1 month तक, मतलब 15 days तक इसको, मतलब अच्छा कलर अगर आपको अच्छा कलर चाहिए, इसका कलर ऐसे ही रहे जैसा है, सो इसको थोड़ा 15 days एंड 15 to 1 month तक, मतलब इसको पानी से मतलब थोड़ा दूर रखना है एंड पानी एंड धूप से, सो और अभी 2 days इसको मतलब थोड़े धूल मिट्टी ये सब चीज़ों से दूर रखना है, गंदी चीज़ों से लाइक तो अभी यही है मेरे टैटू की कंडीशन, पेन नहीं हो रहा है वैसे, मेरा एक्सपीरियंस मुझे लगा था बहुत ज़्यादा पेन होगा टैटू बनवाने में, एंड इवन जब वो टैटू की मतलब जो लगा मशीन होता है बनाने वाला, जब वो स्टार्ट किए उसमें ऐसा मतलब वाइब्रेशन ऐसा आवाज़ आया उसको, मतलब सुन के ऐसा लग रहा था बहुत पेन होगा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा डरी हुई थी मैं, बट जब वो बनाना स्टार्ट किए देन मतलब लाइक बहुत हल्का हल्का वैसे पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, एंड इवन पता भी नहीं चला कि मतलब बन रहा है, वो वाइब्रेशन से ना वाइब्रेशन से थोड़ा पेन पता ही नहीं चल रहा था, मतलब हल्का हल्का लग रहा था कि हाँ कुछ तो हो रहा है, बट ऐसा मतलब इतना बिल्कुल पेन ऐसा बिल्कुल भी पेन नहीं होता ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा भी पेन नहीं होता, हल्का हल्का पेन होता है, आप उतना मतलब सह सकते हो। सो यही रहा मेरा टैटू का एक्सपीरियंस, 1 month बाद अगर ब्लॉग बनाऊंगी किसी ब्लॉग में आपको अपडेट दे दूंगी। सो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, एंड मेरा टैटू कैसा है इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे से लाइक मैं फ़ोटो आपको डाल दूंगी, ये लिखा हुआ है मुकेश एंड फ्लावर बना हुआ है, ये थोड़ा मतलब उल्टा दिख रहा है क्योंकि यू नो आप कैमरा ऑन करते हो तो जो आप तो आपको उल्टा दिखता है, ऐसे उल्टा दिखता है कैमरे में, सो इसकी वजह से ये उल्टा दिख रहा है, आपको फोटो सीधा मतलब करके डाल दूंगी, सो आप लोग देख लेना एंड कमेंट सेक्शन में बताना मेरा टैटू फर्स्ट टैटू कैसा था, सो ये सरप्राइज है किसी के लिए। सो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय, अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय 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 बाय।